अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चले जी, फिर से एक और वीडियो मेरे किचन में। प्लीज़ मेरा किचन देख देख कर तंग मत आ जाइएगा। जितना वैसे मैंने आप लोगों को अपना किचन दिखाया ना, अब तो आप लोगों को भी बिल्कुल याद हो गया होगा कि कौन सी मेरी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, कैसे पड़ी हुई है। लेकिन अब फिर मैंने काम ही किचन में होता तो फिर क्या करें। इंशाल्लाह ताला जब आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगने लग जाएंगे तो फिर मैं अपना फेस रिवील करूंगी, फिर आपके साथ फेस टू फेस बातें किया करेंगे वीडियो में। तो लेकिन अभी व्यूज़ वगैरह बहुत कम है, अभी लाइक बहुत कम आते हैं, तो इसलिए भी फिर मैं अपना फेस रिवील नहीं कर रही हूँ कि अभी मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती नहीं है। जिस दिन पहुँचने लग जाएंगी और आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगेंगी तो इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग किचन से बाहर निकल के भी बातें किया करेंगे। बाहर मैं आपको अपना गार्डन में लेके जाया करूँगी और बाहर लिविंग रूम दिखाऊंगी, अपना बेडरूम वगैरह पूरा घर दिखाऊंगी आपको। तो इंशाल्लाह ताला चले, अभी तो हम बात करते हैं अपने एयर फ्रायर की। और मैं अभी बनाने लगी हूँ सैलमन फिश रात के डिनर के लिए। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको पहले स्मूथी बनाना सिखाया था कि अगर आप लोग डाइट पर तो आप किस तरह से स्मूथी बना सकते हैं विदाउट शुगर, वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल्दी थी। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ सैलमन आप एयर फ्रायर में किस तरह से बनाएंगे। फ्राई नहीं करना है क्योंकि अगर आप डाइट कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको इसको फ्राई नहीं करना है, इसको एयर फ्रायर में यूज़ करना है, ठीक है। और मैं फ़िश ने क्योंकि सैलमन का बस मुझे वन पीस ही चाहिए, मैं वन पीस ही रात को खाती हूँ और साथ में थ्री एग ले लेती हूँ, एग वाइट बॉयल, ठीक है, थ्री एग वाइट बॉयल लेती हूँ और साथ में मैं एक सैलमन ले लेती हूँ एयर फ्रायर में करके। उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसका टेम्परेचर कर देंगे, सॉरी टेम्परेचर मैंने बोलता है, टाइमर जो है मैंने 25 मिनट कर दिया और इसका टेम्परेचर मैंने फुल हाई पे कर दिया है 200 डिग्री पे, ठीक है ना। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए गर्म होगा, तब तक हम अपनी फिश को मैरिनेट करते हैं। चले आ जाए, ये अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये मैंने एग बॉयल करके रख दिए हैं, जितनी देर में एग सेट होंगे प्लीज़ जाकर मेरी एग बॉयल की भी वीडियो देखें, लाइक करें, प्लीज़ जाकर उसको देखें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। और इसके बाद मैंने एग, चलिए जी ये आप देख लें, मैंने ये फ़िश का वन पीस लिया था, ठीक है। और एयर फ्रायर मैंने अपना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हुआ है, जो कि मैंने 25 मिनट पे इसको स्टार्ट किया, 5 मिनट पे वो हीट होता रहेगा और जो उसका 20 मिनट है उसके अंदर ये फ़िश जो है ना अच्छे से पक जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको मैरिनेट करते हैं, हम इसके ऊपर लगाते हैं थोड़ा सा लेमन, बस आप ऐसे ही सारे मसालों को बस ऊपर डालें, इतना कोई इसका प्रॉब्लम नहीं होगा और इतनी जल्दी जल्दी ये बन जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से ही ले रही हूँ क्योंकि एक हैंड में मेरा ना कैमरा है, इसलिए मैं ना ज़्यादा, मुझे ना सिस्टम समझ में नहीं आता इसका। चले, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग डालेंगे साथ में थोड़ा सा सॉल्ट। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये हो जाएगा कि अगर आप इसको इसमें फॉइल में रैप करके रखते हैं ना, तो इसका ये होगा कि इस अपने नेचुरल जो इसका अंदर ऑयल है ना, ये उसके अंदर ही पकेगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं जो ऑयल डालूँगी वो इतना कम होगा ना कि वो हाफ टी स्पून से भी कम ऑयल होगा, कि बस हल्का सा कि वो हल्का हल्का ग्रिल हो जाए। बाकी ये देखें, बस ये आप ये देख रहे होंगे स्प्रे, मैंने कितना थोड़ा सा बस स्प्रे किया, बस ये इसके ऊपर मैंने हल्का हल्का स्प्रे कर दिया ऑयल का। और बाकी जब हम इसको फॉइल करके तो इसको रखेंगे तो ये अपने नेचुरल ऑयल्स के अंदर ही सेट हो जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर डालते हैं अजवाइन थोड़ी सी, फ़िश के अंदर अजवाइन का फ्लेवर बहुत मज़ेदार लगता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। मैं किस तरीके से वीडियो बना रही हूँ ये मुझे ही पता है, क्योंकि बच्चे भी जो होते हैं ना इस टाइम पे आके हेल्प नहीं करते, उनके सोने का टाइम हो जाता है, सुबह स्कूल जाना होता है उन्होंने, तो फिर इसलिए मुझे ना अकेले ही रात को ये वीडियो वगैरह बनानी होती है। सुबह तो फिर भी बच्चे थोड़ी सी हेल्प कर ही देते हैं, लेकिन रात के टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स, चाले डेढ़ सीट, ठीक है। लेकिन अभी के लिए वीडियो के अंदर में, अभी मैं वीडियो बनाने लगी थी और जैसे मैंने फ्रिज चेक किया तो मेरे पास लहसुन नहीं था। अगर आप लोगों के पास घर पे लहसुन है साबुत वाला, तो आप उसके तीन जो उनके होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, जवे आई थिंक कहते हैं ना, वो आपने ना बस छील के तीन इधर रख देने और उनको रैप कर देना। उनका इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना लहसुन का, जब अपना नेचुरल ऑयल वगैरह निकलता है, उसका लिक्विड निकलता है ना, वो बड़ा मज़ेदार लगता है इसके साथ, ठीक है। तो आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं इसको ऊपर रब करने की, ऐसे 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 उसको मिक्स करने की, बस चुप करके इसको अब आप रैप करें, अच्छे से रैप करना कि स्टीम वगैरह इसकी बाहर ना निकले, ठीक है।
अभी प्लीज़ थोड़ा सा ना रफली ये मिक्सर रैप हो गया, वरना मैं तो इसको इतना क्यूट सा रैप करके रखती हूँ। चले ये आप देख लो रैप हो गया, ठीक है। अब आप इसको पकड़ें और अपना ले जाएं एयर फ्रायर के पास। अभी आप देखें ये ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए मैंने इसको गर्म कर दिया, ठीक है। अब बस इसको खोल लें और इस फिश के पीस को इसके अंदर रखते बस, क्योंकि रात के टाइम बस मैंने ही फ़िश खानी होती है। मैं रात को ज़्यादा हैवी कैलोरीज वगैरह का खाना नहीं लेती हूँ, बस मैं फ़िश का ही खाना फ़िश खाती हूँ, या फिर साथ में इसके ना 3 एग ले लेती हूँ। तो बस हम लोगों ने इसको रख दिया इसके अंदर। अब आप देख रहे टेम्परेचर 200 डिग्रीज़ पे है और 20 मिनट। अब आप देख रहे इसकी लाइट भी ऑन हो गई है। 20 मिनट के लिए बस आपने इसको छोड़ देना, अब आपको कोई ज़रूरत नहीं इसको चेक करने की। बस आप 20 मिनट के बाद जब ये बंद हो जाएगा फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। और बाकी ये जो मैंने अभी इसके अंदर मसाले वगैरह डाले हैं, इसको मैरिनेट जिस मसालों से किया है कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ लिखकर बता दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये सारे मसाले चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोग डाइट पर हैं तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये वेट लॉस के लिए। आपको पता है वैसे भी फिश वगैरह सैलमन वगैरह बहुत अच्छी होती है वेट लॉस के लिए। और रही ये, मैं उस दिन आपसे बोल रही थी ना कि मैं आपको अपना चार्ट दिखाऊंगी, तो ये देख लें मेरा माशाल्लाह। अभी ये भी डे पूरा हो गया, फ्राइडे का मैंने अभी ऑफ ले लिया क्योंकि आज फ्राइडे था। और इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये वीडियो फ्राइडे को सैटरडे को मिलेगी, तो सैटरडे को मैं अब करूँगी अपना लेग्स डे। ये मेरा लेग्स डे होगा इंशाल्लाह ताला, मेरा आज का मेरा ऑफ हो गया। आज मुझे काफ़ी पेन हो रही थी अपनी शोल्डर्स वगैरह में, क्योंकि मैंने शोल्डर एक्सरसाइज की थी इसलिए उसमें मुझे काफ़ी पेन हो रही थी, तो मैंने आज ऑफ ले लिया। तो अब मैं आपको मिलती हूँ जब ये पूरा हो जाता है टाइम, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी पूरा टाइम बंद हो गया और मैंने इसको खोल दिया, ठीक है, एयर फ्रायर को। और अब हम आराम से इसको बाइंड कर लेंगे क्योंकि वो बहुत गर्म था, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। थोड़ा सा हाथ भी जल गया मेरा, ये अक्सर जो है ना कुकिंग करते ऐसा हो ही जाता है कि आप लोगों के हाथ जल जाते हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुली निकालिएगा। चले ये मैंने अभी निकाल दिया, अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी वो रेडी हो गई है। इसके ऊपर कलर देखें, वो जो हमने हल्का हल्का सा ऑयल डाला था ये उसकी वजह से पूरा कलर इसके अंदर आ गया। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये बिल्कुल फिशेस के साथ चिपक जाती है, ठीक है, और इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। इसको आराम आराम से बस उससे ना फॉइल से अलग कर दीजिएगा, ऐसे स्पून लेके अब आराम आराम से आप उसको फॉइल से अलग कर दें। चल और अब आपको ये बिल्कुल अपनी हाई प्रोटीन्स जो आपके लिए डाइट के लिए बेस्ट है ये आपको मिल जाएगी। अब आराम से आप इसको इसके अंदर से निकाल लें और उसके सारे जूसेस वगैरह जो उसके नेचुरल जूस वगैरह होते हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब अपने डिनर के अंदर इसको इंजॉय कीजिए और मुझे ट्राई करके बताइएगा कि ये कैसी बनी है। होप्स हो कि आपको ये अच्छी लगी हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चलेंगे अभी मैंने खुद कैमरा होल्ड कर लिया, अभी बेटी ने पकड़ा हुआ था और उसको टेंशन लगी हुई थी कि प्लीज़ प्लीज़ मामा मैं चली जाऊँ, मामा मैं चली जाऊँ। और ये आप जो हमने देख रहे हैं ये इसका जो मसाला है, इसको थोड़ा सा अपना थोड़ा सा मतलब कि फिश के ऊपर ऐसे लगा दें, ये बिल्कुल भी बर्न नहीं हुआ, इतना प्यारा उसका मज़ेदार से फ्लेवर्स की खुशबू आ रही है पूरी। चले ये देख लें, थोड़ा सा हाथ जल गया मेरा, अब मैं आपको कल दिखाऊँगी कि वो मुझे कितना जला है। वो अभी क्योंकि वीडियो बनाने का अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो वैसे पहले कभी भी मेरा हाथ ऐसे जला नहीं है बनाते बनाते, लेकिन आज थोड़ा सा जल गया। तो होप्स हो कि आपको मेरी एयर फ्रायर फिश अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। इसके लास्ट पे आप लोगों ने बस लेमन थोड़ा सा लेमन डालें, ठीक है, और इसको किसी भी अच्छी सी सॉस के साथ आप लोग खा सकते हैं। अभी आप देखें इधर मेरे लिए मैंने अपने लिए 4 eggs भी रेडी कर दिए, इनके मैं बस वाइट लूँगी, ठीक है, और उनको मैं इसके साथ ही रखूँगी। और इतना मज़ा आएगा अपना रात का डिनर करने का, कोई हाई कैलोरीज नहीं है ये, सॉरी कार्ब्स नहीं है, हाई प्रोटीन्स आपका डिनर होगा इंशाल्लाह ताला। चले मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।